स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू माय चैनल MR वर्ड्स हैदराबाद। क्योंकि अपन यहाँ पर देख रहे सारे किसान भाई लोग हैं, यहाँ पर अपन आके बहुत खुशी हुई और हमारे भाइयों से इंट्रोड्यूस करेंगे, इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक एक भाई का इनके लिए अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई, ये तो आप जानते हैं हमारे इमरान भाई है। और अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपका नाम? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन भाई, और आपका नाम? मुराद भाई। मुराद भाई, और आपका नाम? डूंगर भाई। डूंगर भाई, और आपका नाम? मेरा नाम रमजान भाई। रमजान भाई, और आपका? रहमान भाई। रहमान भाई, ये भाइयों से अपन कुछ सीखने के लिए आज बात करेंगे कि बकरी पालन कैसे होती है और ये भाइयों को कैसा शौक है और ये कब से शौक कर रहे हैं। ठीक है, उम्र भर बकरी चराते हैं हम। बात करें जी, उम्र भर बकरी चराई है। उम्र भर बकरी, बहुत मेहनत करती है बकरी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, आप तो उम्र भर बकरी चलाते हो। और ये बकरी वाला काम कैसा, पहले ये बता दे। बहुत बरकती काम है, बहुत अच्छा काम है जी। जी माशाल्लाह, देखो दोस्तों, जैसे कि मैं हर हमेशा की बोलता हूँ, बकरी वाला काम बहुत बरकत वाला है। तो आज हमारे मुबारक भाई बोल दिया अपने से कि ये बरकत वाला काम है। तो आपको ये बकरी वाला काम आपको कैसा लगता? मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जबी तो पूरी उम्र बकरी भी चराई है, इसकी देखभाल करिए पूरी उम्र भी, 60 साल की उम्र होगी। बहुत अच्छा लगता है। तो हजूर मोहम्मद साहब भी बकरी चराई थी। हाँ, उन्नत धंधा है जी जी। तो और ये जो सूजत वाली नस्ल है, ये नस्ल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब ये नस्ल कैसी है? बहुत अच्छी है, सोजत वाली पूरे भारत में सबसे अच्छी नस्ल सोजत वाली है। जी जी जी, भारत में सबसे अच्छी नस्ल सोजत की है। दूसरी ये है तोतापुरी है, अलवर है, वो नहीं है, सबसे अच्छी यही है। माशाल्लाह, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये नस्ल के बारे में, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और मैं ये भाई से एक बकरा खरीदा हूँ, इनसे एक पटिया खरीदा हूँ। तो और यहाँ के रेट अपनी मंडी से कंट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, यहाँ पर वही हाई रेट रहते हैं। और इनसे मैं क्या बकरा खरीद रहा हूँ ये भी जानते हो, और इनसे क्या पट्टिया, 3 महीने की पट्टिया लिया ना मैं आपसे, 3 महीने की पट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाइयों से मैं इस वजह से ही यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए सोचा कि कुछ ये भाइयों से कुछ सीखे अपन लोग। ठीक है, तो भाई मेरे को आप ये बताएं, बकरियों को आप क्या खिलाते? बकरियों को हम खिलाते हैं क्या, पत्ती खिलाते हैं और जव खिलाते हैं, हरी पत्ती। हाँ, हरी पत्ती ये खेजड़ी की, खेजड़ी की लून बोलते हैं ना आप लोग, लून बोलते हैं। हरी पत्ती में क्या मिलवाते हैं? हरी में जव मिलवा देते हैं जी, उसमें जव का उसका मिला करके खिला देते हैं। अच्छा अच्छा, गुड़ पाते, गुड़ का पानी पिला देते हैं। गुड़ के पानी पिलाने से क्या फायदा है? अच्छा रहेगा, हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़। अच्छा, और गुड़ के पानी से ठंडे वाले मौसम से थोड़ा गर्म महसूस होता है? गुड़ का ठंडी मौसम में नहीं पाना, सर्दी के मौसम में गुड़ नहीं पाना। अच्छा, 2 महीना जनवरी 12 महीना और जनवरी 2 महीना गुड़ नहीं पाना, पूरे साल पाओ। अच्छा, जनवरी और फरवरी के महीने में गुड़ नहीं डालना, 12वें महीने। और मैं यहाँ पर सुना आपके गांव में एक जगह देखा था, मैं छाछ भी पिलाते हैं आप लोग, छाछ से कुछ फायदे? छाछ, खट्टी छाछ बोलते हैं आप लोग, भैंस की छाछ होती है ना? हाँ हाँ, भैंस की, बहुत अच्छी है। तो क्या फायदे है उसके? हाजमा, उसका हाजमा अच्छा रहता है। अच्छा, बकरे का हाजमा अच्छा रहता है खाने पीने में जी, छाछ से हाजमा अच्छा रहता है। अच्छा, हाजमा अच्छा रहता है। तो जो भी भाई बोले थोड़ा लॉर्ड में बोले कि लोगों को सुनने में आए। तो बकरी को अगर कोई जख्म हो गया, यानी बकरी में अगर कुछ मार वार लग गई, तो उसका कैसे इलाज करते? यानी आप मेडिकल से दवाई उठा लाते हैं या देसी इलाज करते? देसी है, मेडिकल का ही होता है। अच्छा, देसी करते हैं हम तो, ऐसे करते हैं और दूध और फिटकड़ी मिला के देते हैं वो, वहाँ फिटकड़ी आते हैं, उसको क्या बोलते हो आप? हाँ, फिटकड़ी बोलते हैं, फिटकड़ी बोलते हैं जी जी। उसको मिला के दो, मार के जाएगी, और मुर्गी का अंडा और दूध ये भी सही है। तो मुर्गी का अंडा पिलाते या जख्म पे लगाते? पिलाते। मुर्गी का अंडा और फिटकड़ी और दूध, बकरी का वाला दूध पिलाते, भैंस का ही, भैंस का दूध, ये 3 चीज मिलवा कर पिला देते, यानी जख्म कम होता है। अरे टूट जाता है वो, सही हो जाता है। अच्छा, जख्म सूख जाता। तो जख्म पे कुछ लगवाते क्या? कुछ नहीं लगाते, लगाने के कोई ऐसा जख्म हो गया उसको तो लगाना नहीं है, खाल टूट गई, वो ऐसे हो गया, ज्यादा खून निकल गया उसके ऊपर, तो थोड़ा बहुत वो घाव मिलने की दवाई लगानी पड़ती है। अच्छा, तो दवाई पड़ती है मेडिकल की। अच्छा, मेडिकल की दवाई लगाते। तो अगर पिलाना हो तो अंडा, पेडिग्री और दूध वो मिलवा कर पिला देते। पिला देते, चलो माशाल्लाह।
तो और एक ये तो अपन जख्म वाली बात हो गई, और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा आपसे, अगर से कोई बकरी में कोई किस्म की बीमारी आ गई, यानी सर्दी हो गया उसको या पेट की खप्स की बीमारी हो, कि बीमारी से पहली बात तो महफूज कैसा रखना चाहिए ये बताए, यानी कोई बीमारी आने से पहले उसको महफूज कैसा रखना चाहिए ये बताएगा। पीपीआर वाला टीका, पीपीआर वाला टीका सबसे अच्छा है। अच्छा, उसको कुछ बीमारी नहीं है पहले वो लगा देना, 12 महीना में एक टीका लगता है, एक टीका। अच्छा माशाल्लाह, चलो एक बात बता दे, बीमारी आने से पहले पीपीआर का टीका लगा दे, चलो माशाल्लाह अच्छी बात है। अगर खुदा ना खास अगर बीमारी आ गई बकरी को तो क्या करना चाहिए? बीमारी आ गई तो उनको थोड़ा बहुत अनुमान देखना पड़ता है, आगे इसमें नाक में दर्द है, पानी आता है, या ये खांसी दे रही है। अच्छा। वो देखना पड़ता है, उनका कंडीशन देखना पड़ता है, फिर मेडिकल से दवाई लानी पड़ती है। बीमारी है जैसा दवाई लानी पड़ती है। अच्छा, टेलोमेसिन का, टेलोमेसिन का टीका आता है, वो हर काम करता है। अच्छा, टेलोमेसिन आते हैं बोलते हैं जी जी, वो मेडिकल से मिलते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अब ये भाई से तो बात करें, थोड़ी ये भाई से बात कर लेते अपन। भाई आप क्या चीज का पालन करते हैं? भैंस पालन करते हैं। कितनी भैंस खड़ी है आपके घर पे? चार भैंसें खड़ी है। भैंसों से क्या फायदा मिल रहा है आपको? भैंस से दूध देता है, दूध में खूब पैदावार मिलती है। अच्छा, दूध बेचते हैं आप? दूध बेचते। क्या लीटर दूध चल रहा है यहाँ पर? अबार 60 रुपया किलो में जा रहा है। 60 रुपए किलो में दूध जा रहा है केजी। अच्छा, तो दूध के लिए आप भैंसे पाले करते हैं? भैंसों को खिलाते क्या है आप? हमारे भैंस तो ब्याती है, उस टाइम में पहले पहले 100 ग्राम तो काली मिर्च, 100 ग्राम काली मिर्च, काली मिर्च, हाँ काली मिर्च जी जी। माशाल्लाह दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, एक बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं, आप गौर से सुन ले, आपको इस आगे कुछ फायदे होने वाले हैं। मैं बोला ना पहले ही वीडियो में, कुछ सीखने के लिए अपन ये वीडियो बनाया जा रहा है, कि किसान भाइयों से बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलते हैं। 100 ग्राम काली मिर्च, आधा किलो गुड़, आधा किलो गुड़, पाव घी, पाव घी, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का, भैंस पाव घी। उस टाइम में वो प्यार बच्चा ने चाटने लगी जी, 20 मिनट हो गया, उसके बाद वही चटाऊ मैं तो। अच्छा, पिलवा देते हैं या रख देते सामने? नहीं, अपने आप पीते, अपने आप चाट लेगी, बर्तन में रखे, छोड़ेगी नहीं। अच्छा माशाल्लाह, इतना शौक से खा लेती है? शौक से खा। उससे फायदा क्या है? उनसे ये फायदा है, 5 लीटर भैंस का 5 लीटर 4 लीटर दूध देता है, तो हमारी का तो पहले ओट नहीं बहेगा, 7-8 लीटर दूध, 2 लीटर दूध बढ़ जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और 10 लीटर दूध दे रही अबार उबी खड़ी। अच्छा माशाल्लाह, आपको देखना था तो सुबह कटा दो माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरे बेदी भी है, 10 लीटर दूध कटा देता हूँ बराबर। कौन सी नस्ल की भैंसे रखे आप? हम तो बिल्कुल मुर्री, मुर्री नस्ल के, मुर्री नस्ल के। अच्छा, तो और एक बात बोलो, चारे में क्या खिलवाते आप? चारा में तो ये कपासिया आता नहीं जी, कपासिया और खड़, और भैंस ने बाजरी गुड़ दे दिया जी, पूरे बाजरे महीने में देता हूँ 10 किला चीना जी, 10 किला चीना, 10 किलो देसी शक्कर दूँ जी। अच्छा, ये खिलाते आप भैंस? ये खिलाते, डेली की रूटीन, दूध बराबर दिया ही जाती है, दूध उतरे नहीं नीचा। अच्छा 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 माशाल्लाह। चलो भैंसों के लिए थोड़ा बहुत, भैंसों के लिए भी सीखने मिल गया, भैंसों का तजुर्बा भैंसों दो घर ही जाएगी कौन क्यों माशाल्लाह। और कुछ थोड़ी यार वो दे नाटक में कर लिया मेरे, अरे भाई खड़ा रुक जा, वीडियो चल रही है, अरे वीडियो चले आ जाओ। हां, अब उस टाइम में कहीं करे दोरन डॉक्टर सुनो डबो लियो जल में आकरा पड़ी जी, मारा पिताजी काली मिर्च घी दिया होता और गुड़ दिया होता। चलो अपन बातें करेंगे थोड़ी, भाई ये बात भाई से बात कर लेते हैं, उस वजह से फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। फिर दोबारा आपका एक बार नाम बता दे। मेरा नाम रमजान है जी। रमजान भाई माशाल्लाह, रमजान भाई, रमजान मुबारक महीने का भाई का नाम है जी। तो रमजान भाई, आप क्या चीज पालते हैं? हम क्या पालते हैं? भैंस बकरी, भैंस बकरी पालते हैं जी। बकरी वाला काम कैसा, पहले सबसे पहले ये बात बताए। बकरी वाला काम करने वाला आदमी चाहिए, बहुत अच्छा काम है जी माशाल्लाह। करने वाला आदमी चाहिए, करने वाला मेहनत करने वाला आदमी चाहिए, बहुत अच्छा काम है, बरकत काम है जी जी। ये नबी साहब के किया हुआ काम है, बहुत ऊंचा काम। हाँ, सरकारे द्वारा हम काम करते थे जी, माशाल्लाह उनकी सुन्नत का काम है, इनकी मेहनत करने वाला चाहिए। तो अगर नए बंदे कोई बकरेबाजी में आना चाह रहे तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप ये यूट्यूब के जरिए? इसके वो यूट्यूब के जरिए इनमें आने चाहते हो तो उनकी मेहनत कर लो, पालना चाहते हो तो उसको दबा के खर्चा लगा के मेहनत करो जी। अच्छी चीज रखो अपने घर, अच्छी चीज घर में रखो और अच्छा खिलाना पिलाना करो जी। और अच्छी चीज ला के खाना ना पिलाने में आप अपन कंजूसी कर लेंगे, अपने को मुनाफा नहीं देगी। वाकई पॉइंट टू बी नोटेड भाई की बात है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। अच्छी चीज ले आए तो उनको अच्छी खिलाओ जी, अपन को मुनाफा देगी। चीज अच्छी लेगा खिलाएगा, अच्छा नहीं तो वो मुनाफा नहीं देगी जी।
जीत कैसी अच्छी हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात मिली। सुन ले मरी जी, और एक भाई की बात सुनिए जी। बकरी को जुकाम हो गया जी, बकरा को जुकाम हो गया जी, और गोली दूर है नहीं लाई से जी। ये ठंडा पानी अपन पीते नहीं, ऐसा एक लोटा भर लिया, एक चूड़ो भर के आठ चूड़ो उन्हें नाक माते छाप का दो बकरा के या बकरी के, और कपड़ा से मुंडो पूछ लो। 20 मिनट के बाद में नाक में पानी आवनो बिल्कुल बंद। ठंडे पानी से नाक साफ कर देना चाहिए, नाक माते ऐसे देना। अच्छा अंदर डालना था, छह हाथ साफ का दे देना, और कपड़ा से पूछ लिया, कपड़े से साफ पूछ देना जी। गोली लेने की जरूरत नहीं है, आपको जुकाम हो गया तो गोली नहीं लेनी। अब आप पानी पियो नहीं, वो तो ज्यादा ठंडो ही नहीं, तो भेड़ करन मंगाई दियो, और माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी बात बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी बात बोले भाई, ये भी एक तजुर्बे वाली बात है, कोई गोली की जरूरत नहीं है। अब और एक भाई के पास बढ़ते हैं अपन, कोई दूरी नहीं है हमारे सब भाई, आप थोड़ा सामने आ जाए कि व्यूअर्स देखने लगे आपको, थोड़ा ये ढंग चार पे आ जाए, इधर आ जाए। अब एक बार आपका नाम बता दे कि हमारे व्यूअर्स सुनने लगे, अब अंधेरा हो रहा है जाता है यहाँ पर। मेरा नाम रहमान भाई है। रहमान भाई जी, रहमान भाई आप क्या काम करते? हम यही बकरी का, खेती का, इमारत का। इमारत यानी मेस्त्री वाला काम जी माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं एक चीज़ जगह रहमान भाई आपसे, सबसे तो सारी बातें करें अपन, आपसे मैं थोड़ी अलग बात करूँगा। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर एक चीज़ देखा, यहाँ पर अगर छोटा सा 2 महीने का भी बच्चा लेंगे 15,000 रुपये से कम नहीं है, गलत बोल रहा हूँ आप लोग आप सामने? तो क्या वजह है इसकी, इसकी वजह क्या है? मेरे को एक वजह बता दे आपकी, ये 15,000 रुपये से बच्चा कम नहीं है तो क्या वजह है ये? नस्ल अच्छी है, सोजित की नस्ल में आप लोगे जी तो 15,000 से कम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो हाइट ये ज्यादा पकड़ता है, हाइट ये ज्यादा पकड़ता, खूबसूरत ज्यादा होता है, खूबसूरत ज्यादा होता है, ये खूबसूरती के पैसे है ना जी जी। हाँ माशाल्लाह, ये भी भाई बोले थे पालो तो अच्छी चीज पालो, अगर अच्छी चीज पालने बावजूद अगर अच्छा देखभाल ही नहीं करेंगे, अच्छा नहीं खिलाएंगे, खिलाने में कमजोरी करेंगे, तो वो नस्ल आपकी खराब हो जाएगी और आपको बनेंगे नहीं। और थोड़ी सी देर के लिए मैं आजा हो रही हूँ यहाँ पर, वीडियो रोकना चाहूंगा। हाँ हाँ आप कुछ बता रहे थे तो ये नस्ल के बारे में बताइए। ये बता रहे थे जो सोजित का माल लोगे आप जी, हाइट पकड़ेगी, खूबसूरती में ज्यादा, इसलिए इसके 15,000 छोटे बच्चे की कीमत लगती है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, खूबसूरती के पैसे, खूबसूरती के पैसे। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बोले, सीखने के लिए भी मिला। और दोस्तों मैं एक बात बताऊंगा, सारे भाइयों से तो मिले और सारे भाइयों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और सुजत नस्ल के बारे में अपन यहाँ पर मालूम करें और दवाई के बारे में भी मालूम करें, और ये लोगों भाइयों का शौक देखने के लिए बहुत अच्छा लगा अपने को, ठीक है। और ये जो भाई है ये भाई को बताए, और इनके इनका मैं एक सेटअप बताऊंगा, छोटा भाई छोटा सा सेटअप है भाई का, और सारी जिंदगी बकरियों में गुजरने के लिए बता दें इनका थोड़ा सा सेटअप बताए, फिर यहाँ पर फिर अपन वीडियो ख़त्म करते हैं। ये इनकी बकरियाँ हैं दोस्तों, ये बकरियाँ हैं, ये है, ये इनके बकरियाँ हैं, और ये देखिए छाँछ ये लोग पिलाते यानी फायदे के लिए, यानी बकरी को गर्मी हो तो कुछ ठंडक होना पेट में चाहिए, और डाइजेशन के लिए बता रहे थे भाई। और ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को ऐसे किसान भाइयों से मिलने के लिए मिलेगा, और अच्छे अच्छे जानवरों परचेसिंग करने के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छी चीज़ दिलाना ये वादा है हमारे गोट फार्म का, और अच्छे से अच्छा ट्रांसपोर्ट करवा के देंगे। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, लाइक करने से नोटिफिकेशन ये मिलता है आपको कि भाई और काम करे अच्छे से, और कमेंट करके बताना कि ये बातें कैसे लगी आपको, कमेंट जरूर करना दोस्तों, कि कमेंट मुझे पढ़ना बहुत शौक है, और शेयर करें और दोस्त भाइयों को तजुर्बा मिलेगा इस चीज़ से। और अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त, बाय बाय।